तो गाइस इस लैपटॉप में है RTX 2050 3500 वाला, तो प्ले करते हैं इसके ऊपर वॉरजोन 2.0, देखते हैं कैसे चलती है, मतलब कितने FPS वगैरह मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, आपका ये चैनल फॉरवर्ड करा दो 70K। तो सेटिंग्स आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, एंड स्ट्रीम से आप ये गेम को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, 22 GB गेम है। तो DLSS रखे हैं मैंने बैलेंस पे, एंड सेटिंग्स की बात करें तो बैलेंस पे पहले प्ले करते हैं। तो बैलेंस पे देखो यार, बाकी दूसरे लैपटॉप में जो मैंने प्ले की थी 16 15 3050 में, मतलब ये लाल हो गया था, 4 GB रैम के बाहर चले गया था बैलेंस पे ही, एंड अल्ट्रा पे भी बाहर नहीं जा रहा, ये 32 GB खाली यूज़ हो रहा है, 32 MB हो रही। तो अल्ट्रा पे पहले प्ले करके देखते हैं क्योंकि वी रैम के अंदर ही है। सेटिंग्स देख लेते हैं क्या आती हैं अल्ट्रा में, नॉर्मल हाई, नॉर्मल हाई, तो मैक्स सेटिंग्स ही आ रही हैं। तो बैटर रॉयल लगा के देखते हैं स्टार्ट, पहला मैच खेलने लग गए हैं इस लैपटॉप च। रूम टेम्परेचर है 31.3 डिग्री। बाकी सीपीयू वगैरह की बात करें तो i5 12th जनरेशन है, 1240p, जो कि आई थिंक कितने कोर का था, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंट कोर है, तो 12 कोर का सीपीयू है ये, एंड 16 थ्रेड्स हैं शायद। तो मैच फाउंड हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। एंड रैम 16 GB है इसके अंदर ड्यूल चैनल में, और टीममेट की आवाज़ भी आ रही है। नहीं म्यूट कितना होता है, डिस्कनेक्ट कर दिया। ओहो बैलेंस पे तो पूरा ही, मतलब अल्ट्रा पे है ना अभी, 35 वाट तक यूज़ नहीं हो पाता है, चार्जर निकाल के द्वारा लग रहे हैं, सीपीयू की वजह से ना 35 वाट तक यूज़ नहीं हो पा रहा वो, तो सीपीयू हमारा गेमिंग वाला नहीं है गा, गेमिंग च 15 वाट ही खिंचता होता वैसे, लॉक किया हुआ सीपीयू वो है। तो अभी अल्ट्रा सेटिंग भी एक बार ज़मीन पर उतर के FPS देख लेते हैं, ये तो हम कम करेंगे, प्लेएबल FPS में लेके आएंगे गेम को। हम ग्राफिक कार्ड तो कैपेबल है गेम खेलने के लिए, लेकिन CPU नहीं है, बाकी उतर के पता लगेगा अपनी छेती, हम फैसला नहीं सुना सकते, हमें फैक्स चाहिए हमें। GPU से सो नहीं पा रही, CPU ज़्यादा है, तो सेटिंग्स में कम करके देख रहा हूँ। अबे उसको कैसे पता मैं यहाँ पे हूँ, मैं सेटिंग्स कम कर रहा था यार, अब बेफाल तो गुलक में आ गया। तो अब मैं बैलेंस पे कर रहा हूँ सेटिंग्स वैसे, सीधा ही मारने को भी आ गया भाई, FPS होंगे तभी तो मार पाऊंगा, इतने कम FPS में कैसे मार पाऊंगा। मर के नहीं रहा ये, अच्छा ये इसके बाद कवच है यार, क्या था ये, क्या लेके आया था ये, मरा क्यों नहीं है। दूसरा मैच लगाते हैं, तो फिर से लगाया मैच, सेटिंग्स देखो अभी अल्ट्रा पे रखी है ना दोबारा,
अल्ट्रा सेटिंग्स है, डिलीशियस बैलेंस पे है, सेटिंग्स कम करके देखते हैं। गन मून दे दो थे, तो जीपीयू एंड सीपीयू पे ध्यान से फोकस करना अपना। अरे बढ़ जा अंदर, तो जीपीयू से देखो थोड़ी सी खाली ज़्यादा है जीपीयू से सीपीयू से, लेकिन उससे ज़्यादा होना चाहिए। देखो सेटिंग्स में कम करूँगा, बैलेंस पे कर रहा हूँ, अप्लाई कर दिया तो जीपीयू से और कम हो जाएगी, जिससे एफपीएस बढ़ने क्या है उल्टा और एफपीएस नीचे हो जाएंगे, क्योंकि सीपीयू हमारा लिमिटेड है, मतलब टीडीपी उसकी गेमिंग में। ऐसे प्रोडक्टिविटी का काम बढ़िया करा देगा सीपीयू, स्कोर भी अच्छा निकाल देगा, लेकिन गेमिंग जब करो तो 12 13 14 15 की भी टीडीपी जाएगी ही नहीं, तो गेम में परफॉर्मेंस निकल नहीं पाती ऐसे गेम्स में, मल्टीप्लेयर वगैरह में। स्टोरी गेम्स में परफॉर्मेंस बढ़िया निकालेगा, रैम भी डिजिटल मैंने कर दी है। देखो और कम हो गए ना, देखो और सेटिंग्स कम करूँगा मैं, बेसिक कर दी सेटिंग्स, जीपीयू और ड्रॉप हो जाएगी और एफपीएस उतने के उतने या और कम हो जाएंगे। और कम करके दिखाता हूँ, एक बार डेली से ऑफ करके भी दिखा दूंगा मैं आपको अल्ट्रा पे। पहले मिनिमम कर देते हैं सेटिंग्स को, देखो एफपीएस उतना ही, जीपीयू से और ड्रॉप हो गई, ठीक है। एक बार रिकमेंडेड सेटिंग्स पे भी दिखा देता हूँ, रीसेट टू डिफॉल्ट्स परफॉर्मेंस पे कर दिया से, तो अब भी उतनी एफपीएस। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अल्ट्रा पे करके, एंड जैसे डीएलएस को मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो डीएलएस से वो रेंडर स्केल कम हो जाएगा, कम हो जाता है, तो अभी वो 1080p दोनों पास से 1080p हो गया साडा, बोथ आर 1080p नाउ, रेंडर स्केल एंड रेजोल्यूशन ऑल्सो, ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। लेकिन मेन था भाई जीपीयू यूजेस बहुत कम है ना, वो बंदे हैं वहाँ पे। गोलक पे चले गए, धीरे से ऑन कर रहा हूँ, AMDFSR यूज करके देखते हैं। AMDFSR मैं यूज कर रहा हूँ, या आई एम नूब आई नो, प्लेबल भी नहीं है इस लैपटॉप पे। चलो गुल्लक पे आ चुके हैं, एफपीएस भी तो मिले मारने के लिए, मुझे लगा पहले वो ऑटो करना है, स्कोप वाली थी चली, तो टुक खाली चली, हालत था उसने खराब कर दिया मूड गड़ने। मैं तो एक आध बंदे तो गिरा ही देता मैं, तो स्टोरी गेम्स के लिए ठीक है लैपटॉप, बाकी स्टोरी गेम्स भी मैं टेस्ट करने वाला हूँ भी।
सारे अपने बंदे ने मार लगा है हमें। शक्को भी चलो भी बाय बाय जी, गुड नाइट। स्ट्राइप स्वूप करके जाना, रात ही बना रहे थे, गुड नाइट निकल गया।